नमस्कार, स्वागत है आपका वीकी न्यूज में। कहते हैं नया नया मुल्ला ज्यादा ही अल्लाह अल्लाह चिल्लाता है, और ऐसी ही हालत महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले की है। नई नई कुर्सी मिली है तो उसका गुरूर भी देख लीजिए, और समझ लीजिए कि अभी ये हालत है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए तो क्या होगा। जी हाँ, जनाब को महाराष्ट्र में कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है, और अध्यक्ष बनते ही इन्होंने रौब झाड़ना भी शुरू कर दिया सीधा फिल्म स्टार्स पर। शायद इनको इस बात से ऐतराज है कि फिल्मी कलाकार मोदी सरकार पर सवाल क्यों नहीं उठाते। मतलब इन नेता के हिसाब से ये फिल्मी स्टार्स इनके हिसाब से बोले, जो कहे वो करे, जो इनको पसंद नहीं हो वो बात ही ना की जाए। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये इनके बयान में नजर आता है। सुनिए इन्होंने क्या कहा है। दरअसल नाना पटोले ने एक वीडियो ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा, यूपीए काल के दौरान जब ईंधन की कीमत 70 रुपए थी तो सबने सवाल खड़े किए। अब अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार कहाँ हैं? आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपए है, ऐसा होने के बाद भी वे चुप क्यों हैं? आम लोगों को लूटने वाली मोदी सरकार के खिलाफ चुप रहने वाली इन हस्तियों की फिल्मों की शूटिंग महाराष्ट्र में नहीं होने दी जाएगी। डीजल आणि पेट्रोलच्या मोठ्या प्रमाणात दरवाढ, गॅसची दरवाढ, त्याच्यामुळे सामान्य लोकांचं जगणं मुश्किल झालेलं आहे। आम्ही कालही सांगितलं की ज्यावेळेस मनमोहन सिंग साहेबांचं सरकार होतं त्यावेळेस अमिताभ बच्चन असतील, अक्षय कुमार असेल, हे ट्यूट्यू करायचे, म्हणजे ट्विटच्या माध्यमातून त्याच्यावर टीका करायचे। आज का ते चूप आहेत? महाराष्ट्रामध्ये अमिताभ बच्चनचा पिक्चर किंवा शूटिंग, अक्षय कुमारचं पिक्चर असेल किंवा शूटिंग, हे महाराष्ट्रामध्ये आता आम्ही चालू देणार नाही। या केंद्र सरकारच्या देशविरोधी धोरणाच्या विरोधात त्यांनी सुद्धा ज्याप्रमाणे लोकशाहीच्या मार्गाने मनमोहन सिंगांच्या सरकारच्या वेळेस ते ट्यूट्यू करत होते, ट्वीट करत होते, आजही जे अत्याचार आणि अन्याय मोदीचं सरकार करते आहे त्याच्या विरोधातही त्यांनी आपली भूमिका मांडावी, आणि नाही मांडली तर आम्ही सांगितलेला तो पवित्रा महाराष्ट्रामध्ये त्यांचे सिनेमे, त्यांचे शूटिंग आम्ही बंद पाडू, अशी व्यवस्था आम्ही करणार आहोत। मी नेहमी तो सुना आपने, दिल में कितना गुस्सा है, कितना गुब्बार भरा हुआ है मोदी सरकार के लिए। इस नाराजगी में अमिताभ बच्चन का नाम लिया गया है और अक्षय कुमार का। जाहिर है, एक तरफ अक्षय कुमार योगी से मिलने गए थे, इस बात की भी नाराजगी होगी, और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन देशभक्त अभिनेता है, और तो वहीं यूपी में फिल्म सिटी बनने का भी काम चल रहा है। इस बात ने भी नाना पटोले के सर में दर्द पैदा कर दिया होगा। अब सवाल ये कि नाना पटोले को सिर्फ अक्षय और अमिताभ ही क्यों नजर आते हैं? नाना पटोले ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ चुप रहने वाले इन हस्तियों की फिल्मों की शूटिंग महाराष्ट्र में नहीं होने दी जाएगी। नाना पटोले को ये बात समझनी चाहिए कि ये दोनों तो सिर्फ कलाकार हैं, सवाल करण जौहर, महेश भट्ट जैसे डायरेक्टर पर उठाए जाने चाहिए जो फिल्में बनाते हैं। आलिया भट्ट से भी पूछना चाहिए कि वो किसी मुद्दे पर क्यों नहीं ट्वीट करती हैं, और कमाल की बात तो ये देखिए, जो बोलती है उसके दफ्तर पर क्या हुआ ये सब जानते हैं। जी हाँ, कंगना रनौत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके ट्वीट्स कई नेताओं को हजम नहीं होते। वैसे नाना पटोले को ये भी समझना चाहिए कि फिल्में सिर्फ और सिर्फ मुंबई की जागीर नहीं है, जो महाराष्ट्र सरकार उस पर अपना हक जमाते फिरे जो इस तरह की धमकियाँ दी जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा, यूपीए सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार थी, इसलिए वे इसकी आलोचना कर सकते थे। सभी की तरह अभिनेताओं को भी प्रति लीटर पेट्रोल 70 रुपए में मिलता था। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के साथ ही और भी हस्तियों ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ ट्वीट करके तब नाराजगी व्यक्त की थी। अब जब पेट्रोल 100 रुपए पार पहुंच गया है तो क्या मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है? तो इनसे सवाल ये भी है कि बाकी के कलाकारों के नाम याद नहीं थे, या फिर देशभक्त कलाकारों से उन्हें परेशानी है? बता दें कि इससे पहले जब रिहाना ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया था तो सचिन तेंदुलकर ने, अक्षय कुमार ने और कई लोगों ने इसका जवाब भी दिया था। उस समय वामपंथी और लिबरांडुओं ने क्रिकेट के भगवान को ही गालियां देनी शुरू कर दी। इन लोगों के हिसाब से जो ट्वीट करे वो अच्छा है और जो ना करे वो बुरा है। सवाल ये भी है कि सीधे अर्थों में क्या ये पोर्न स्टार मियां खलीफा के संघर्षों को भी समर्थन देने लग जाएंगे, और कल को किसी चुनावी रैली में क्या कांग्रेस मियां खलीफा को भी स्टार प्रचारक के रूप में ले आएंगे, क्योंकि उन्होंने किसानों के बारे में बोला है? ये सवाल है, और इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।